नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ प्राइम डिबेट। आज जो मुद्दा है अहम है, क्योंकि इस मुद्दे से जनहानि तो है ही है, साथ ही साथ ये मुद्दा हमारे देश में, क्या बात करें, उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं और राजधानी लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो ये मुद्दा पारंपरिक हो गया है। परंपरागत इसलिए हो गया है क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि बारिश हर साल होती है, मानसून हर साल आता है, पर जो व्यवस्थाएँ नगर निगम की हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार आती है, यहाँ पर बदलाव करती है, नीति बनाती है, योजनाएं बनाती है, कंपनियां बदली जाती है, ठेके बदले जाते हैं, पर जो व्यवस्था है वो उसी तरह चरमराई हुई है। हम दावे तो करते हैं स्मार्ट सिटी के, हम दावे करते हैं मेट्रो सिटी के, हम दावे करते हैं बेहतर विकास के, पर जब बरसात होती है तो उन सभी दावों की हवा निकल जाती है। क्यों? कारण क्या सरकार फंड नहीं देती, कि सरकार योजना नहीं बनाती, कि सरकार काम नहीं करती, कि सरकार फेलियर है? सरकार योजना भी बनाती है, सरकार नीति भी बनाती है, सरकार काम भी करना चाहती है, पर जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनकी जो जिम्मेदारी है वो तय नहीं होती। बरसों से जमे हुए हैं एक ही कुर्सी पर, जिसके कारण उनका अब काम करने का मन नहीं करता, और जब काम करने का मन नहीं करता तो उसका नज़ारा आपको लखनऊ की सड़कों पर देखने को हमेशा बरसात के समय मिल जाता है। यूँ तो ये नज़ारा आप कभी भी देख सकते हैं, कूड़े के ढेर से लेकर, सीवेज से लेकर, गड्ढों से लेकर, बुनियादी सुविधाओं से लेकर, पर जब बरसात होती है तो नज़ारे कुछ अलग होते हैं। यानी आपको जलभराव देखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है, आपको जलभराव आपके घर के बाहर ही नज़र आ जाएगा। यानी आपको 3 से 4-5 फुट पानी आपके घर के बाहर दिख जाएगा। यानी अगर कार से जा रहे हैं तो कार भी आधी डूबी रहेगी, और अगर बाइक से जा रहे हैं तो संभव ही नहीं है, क्योंकि बाइक भी आपकी लगभग लगभग पूरी डूब जाएगी। जलभराव की स्थिति ये है, और ये जलभराव केवल और केवल गलियों में नहीं है, ये बड़ी बड़ी कॉलोनियों में है, ये VIP रोडों पर हैं, ये एयरपोर्ट पर है, और ऐसे स्थानों पर हैं जहाँ पर हम जल निकासी और बेहतर सीवेज की लंबी लंबी डीगें हागा करते हैं। पर जब सच्चाई सामने आती है तो स्पष्ट हो जाता है कि हम बात तो स्मार्ट सिटी की कर रहे हैं, हम बात तो परिकल्पनाओं की कर रहे हैं, हम बात विकास की कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं धरातल पर अब भी बहुत कमी है, और जिसको लेकर बदलाव बहुत जरूरी है। कुछ बयान सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन की बरसात में सरकार की तैयारियों की पोल खुल गई, सारे इंतजाम फेल साबित हुए। ये हाल तब है जब स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही थी, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी 10 स्मार्ट सिटी बनेंगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी की सुविधाओं, आम आदमी की समस्याओं को लेकर कोई चिंता नहीं, सिर्फ पेपरों में तैयारियां होती हैं, हवाबाजी होती, उसका प्रचार होता है, लेकिन बारिश ने सारे पोल खोल दिए। और सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए स्कूलों को बंद करने का आदेश करती दिखती रही, तो जगह जगह जलभराव की वजह से दिलकुशा में 9 लोगों की जान चली गई निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से। इन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भाजपा सरकार है, और इनकी जो स्मार्ट सिटी की बड़े बड़े दावे थे उसकी पोल सामने खुल गई। जब जब बरसात होती है पोल खुल जाती है, उसके बाद फिर सरकार दावे करते, फिर वो हवा हवाई निकलते। जलभराव की स्थिति यह है कि दिलकुशा में एक बिल्डिंग जो निर्माण हो रहा था वो गिर गई और 9 लोगों की मृत्यु हो गई, 4 लोग घायल हैं। हालांकि सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर सभी के उपचार की व्यवस्था की, खुद मुख्यमंत्री जाकर घायलों का हाल पूछे, खुद डिप्टी CM वहां पर गए बृजेश पाठक और पूरी स्थिति का जायजा लिया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जलभराव होता क्यों है। जलभराव का कारण केवल एक है कि अगर पानी की बेहतर निकासी नहीं होगी तो जलभराव की स्थिति हमेशा रहेगी, और इससे केवल लखनऊ मेट्रो की बात नहीं कर सकते हैं, ये बात अगर आप मुंबई में देखेंगे वहाँ भी स्थिति ये है, दिल्ली में देखेंगे MCD वहाँ भी स्थिति ये है। पर स्थिति होती क्यों है? हम मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, राजधानी लखनऊ में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबे अधिकारी इससे पलीता लगा रहे हैं। महत्वपूर्ण चर्चा है, और चर्चा पर बात करने हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको सबसे रूबरू करा रहा हूं, अश्विनी शाही भाई प्रवक्ता भाजपा से रूप में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता प्रसपा के रूप में मोहम्मद इखलाक भाई जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता सपा के रूप में नितिन सिंह भाई जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आपके रूप में इमरान भाई जुड़े हुए हैं, और प्रख्यात समाज से भी विवेक शर्मा भाई हमें से जुड़े हुए हैं, ये अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। आप सभी का मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल हमारा प्रवक्ता भाजपा अश्विनी भाई से रहेगा। शाही साहब, महत्वपूर्ण विषय है, और सरकार बेहतर काम कर रही है, नीति बनाती है, योजना बनाती है, पर अधिकारी का जो काम है वो सरकार के जो मंसूबे उस पर पलीता लगा रहे हैं। हर बार बरसात होती है और हर बार स्थिति यही रहती है, पंप सेट लगाए जाते हैं,
उसके पहले ड्रोन से निगरानी होती है, उसके साथ साथ देखा जाता है कि निकासी हो नहीं रही है, सब लोग जाकर मुआयना करते हैं। संयुक्ता भाटिया की लखनऊ की मेयर है, वो भी मुआयना करती रहती हैं, सक्रिय रहती हैं, और बरसात आते ही जलभराव की स्थिति और उसके बाद जनहानि, क्या कहेंगे? क्या कहते हैं कि प्राकृतिक ये आपदा है एक तरह से, बारिश जो जिस तरीके से हुई है पिछले 24 घंटों में, व्यवस्थाएं सब होती हैं, लेकिन बारिश हो बाढ़ हो ये प्राकृतिक आपदा है, इससे पार पाना, प्रकृति से पार पाना किसी के बस की बात नहीं है, चाहे कोई भी अधिकारी हो कोई भी सरकार हो। अब विपक्ष इसको चाहे जैसे भी कहे, भाई सरकार का दोष है, सब कुछ है, हो रहा है हमारे कार्यकाल में, तो हम दोषी हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर क्या उनके घरों में जहां पर वो रहते हैं, जितने लोग ये बयान बहादुर हैं जी, उनके घरों में उन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है? कहीं कोई बिजली चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, कभी कहीं पानी की चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, कितने सहायता करते हैं ये लोग? तो ये कहना बहुत ही मुफीद नहीं होगा गौरव जी, कि ये व्यवस्थाएं तार तार है, अधिकारी काम नहीं कर रहे। हाँ, कुछ अधिकारी है जो आपके हिसाब से जो आप कह रहे हैं उसमें है, तो उनको हम, ये सरकार जो है योगी जी की सरकार, आज मैं पढ़ रहा था कि समय समय पर किस तरीके से अधिकारियों को नोटिस दिया जाता है, किस तरीके से अधिकारियों को डांट होती है जी। और उत्तर प्रदेश में मैं नीचे के कर्मचारी अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, काम लोगों की शिकायत न सुनना और काम न करने के लिए लगभग 75 अधिकारियों को नोटिस जा चुका है, ये इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले जो काम करने में थोड़ा सा शिथिलता बरत रहे हैं, जनता की शिकायत नहीं सुन रहे हैं और मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंच रही है, उसमें 10 विभागाध्यक्ष भी हैं, 5 आयुक्त है, 10 DM है, 5 DC है, 5 नगर आयुक्त है, 10 तहसीलदार है, 3 ADG है, 5 IG है, 5 DIG है। तो इस लेवल के लोगों को भी सरकार पसती नहीं है, मेरा कहने का ये तात्पर्य था। कहीं भी अगर कमी पाई जाएगी कि नगर निगम का ये अधिकारी काम नहीं कर रहा, ये कर्मचारी अपने काम में शिथिल पाया गया, तो उसको 2 मिनट नहीं लगेगा, उसको नोटिस थमा कर भैया थोड़े दिन आप विश्राम करिए, ये कहने में कहीं भी कोई गुरेज नहीं होगा। मगर अचानक अगर बारिश हो जाएगी, अचानक सड़कों पर जो है वो पानी हो जाएगा, तो इसका कोई नहीं, पानी थोड़ी देर बाद देखिए, कहीं भी कभी भी आप और हम शर्त लगा के किसी नेता के साथ जो यहाँ बैठे हुए बादल दे रहे हैं, 1 घंटे पानी हो हजरतगंज हम लोग खड़े हो जाते हैं जी, 1 घंटे के बाद पानी बंद होता है, 45 मिनट के अंदर पानी खत्म हो जाता है जी, यानी सिस्टम अच्छा है जी। मगर थोड़ी सी जो आप लोगों ने कहा ना स्मार्ट सिटी बनने में टाइम लगता है, पूरे शहर में देखिए किस तरीके से अभी पेयजल की व्यवस्था हो रही है, वो जो 1800 mm का था वो आप 3000 mm डायक का, 2000 mm डायक का पाइप पड़ रहा है, तो ये बनने में टाइम लगता है, और इस समय पूरा शहर लगभग जो है काम चल रहा है, आधे में काम हो चुका है, आधे में अभी बाकी है, जिस दिन हो जाएगा देखिए उस दिन के बाद से पानी की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। साईं जी, इस समय एक बात ये भी है कि कई अफसर ऐसे हैं जो लगातार सालों से जमे हुए हैं, तो आपको लगता है इनका ट्रांसफर भी होना चाहिए, जैसे कुछ बेहतर अफसर भी मेट्रो में आए और बेहतर काम करके दिखाए? गौरव जी सही बात कह रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो ट्रांसफर पॉलिसी आई थी, तो काफी दिनों से जमे हुए लोगों को, और काफी दिनों क्या 3 साल से जमे हुए लोगों को हटाया गया था, उसके पहले वालों को तो यहाँ पर तो 9-9, 10-10 साल से लोग जमे हुए थे जी, कुछ लोग तो 15-15 सालों से जमे हुए थे जी। पीछे की जो एक रूटीन पॉलिसी होती है 3 साल वाली, वो 3 साल की पॉलिसी लागू नहीं होती थी, लोग किसी तरीके से जुगाड़ लगाकर किसी तरीके से रुक जाते थे, तो लगभग इस सत्र में काफी लोगों के ट्रांसफर हो चुके हैं, अगर कुछ बचे हैं तो वो अगले सत्र में जरूर आपको सीट पर नहीं दिखाई देंगे गौरव जी, ये पक्का वादा है। ठीक है साईं जी, हमारे साथ नितिन भाई जुड़े हुए हैं। नितिन भाई, जलभराव की स्थिति रहती है, साईं जी कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा है, वर्षा होती है तो उसके बाद 1 घंटे बाद पानी निकल जाता है, फिर भी विपक्ष जो हाय हाय कर रहा है, ये क्या कहना चाहेंगे? अच्छा अच्छा, वो पहले बताना चाहिए था जी जी। इसको प्राकृतिक आपदा नहीं कहते जी, एक प्राकृतिक आपदा उसको कहते हैं, कहीं कोई बादल फट गया हो जी, कहीं अचानक 10-20 दिन तक मूसलाधार बारिश हो रही हो, ये मौसम है, ये सबको पता है, ये भारत की जलवायु खासतौर पर उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 6 ऋतु कही गई है लेकिन 3 ऋतु सर्दी गर्मी बरसात, इनके 3 ऋतुओं का नाम लिया जाता है। अच्छा। तो गर्मी के भी इंतजाम किए जाते हैं, सर्दी के भी इंतजाम किए जाते हैं और बारिश का भी इंतजाम किया जाता है जी। ये बारिश में सबको पता है कि जुलाई के महीने के बाद से अगस्त, 9 सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने जो होते हैं बरसात के होते हैं,
और इस पे कभी भी बारिश हो सकती है और इस तरीके की व्यवस्थाएं होगी। इसी की व्यवस्था करने के लिए सरकार प्रशासनिक अधिकारी और एक बहुत बड़ा बजट इशू होता है इन व्यवस्थाओं को करने के लिए। जी। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कोई प्राकृतिक आपदा का विषय नहीं है, जल भराव भ्रष्टाचार का विषय है। अच्छा। आप एक तरफ से आप खुद भी पत्रकार हैं, आप खुद भी अपने कैमरे के साथ जा सकते हैं। बारिश आने से पहले सारे नगर निगम जल संस्थानों और जल निगमों को टेंडर दिए जाते हैं सीवेज सिस्टम को साफ करने के और साथ ही उसकी सिल्ट को हटाने के। अच्छा। आप दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं भी एक तरफ से निकल जाइए आज सीवर की सफाई होती है और उसकी कुंटलों सिल्ट अच्छा। उसी के ठीक बगल में डाल दी जाती है जी। दो से तीन दिन के बाद वो सिल्ट वापस उसी में चली जाती अच्छा। है, जबकि जो टेंडर होता है उस पे पूरा जो फंड होता है उस सिल्ट को उठाकर वहां से गंतव्य स्थान तक ले जाने का होता है कि आप इसकी सफाई करेंगे, वहां जितना उसका कचड़ा गंदगी निकलेगी उस गंदगी को आप वहां से लोड करके ले जाकर के कहीं निर्जन स्थान पर अलग लेकर डालेंगे। आप गारंटी करता हूँ आप कैमरे लेकर निकल जाइए कहीं पर भी किसी शहर पे भी आज के उत्तर प्रदेश के, मैं खुद देखता हूँ कि हमारे बगल में जहां मैं रहता हूँ उसके बगल से एक नहर कहा जाता है शहर के बीच में और उसकी सफाई होती है पूरी की पूरी स्ट्रीट उठाकर रोड। अच्छा, ये नितिन भाई ये व्यवस्था आपकी सरकार में थी कि नहीं थी? ये व्यवस्था मैं क्या कहूँ सभी जगह होती, कहीं कम कहीं ज्यादा। आपकी सरकार में थी कि नहीं थी? बिल्कुल, मेरी सरकार में उसकी 54 व्यवस्थाएं थी। अच्छा। और हम लोगों ने बहुत व्यवस्थाओं को तुरंत करने का काम किया था, लेकिन भ्रष्टाचार की एक सीमा होती है। अच्छा। जब हम लोगों ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय किया था कि भाई हम लोगों पर आरोप आ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत खराब व्यक्ति थे, हम बहुत खराब थे, हमारी सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार था, लैंड ऑर्डर बिल्कुल खराब था। जनता को आपने ये सब जवाब दिखाया कि हम आएंगे तो एक जादुई चिराग लाएंगे, अलादीन का चिराग होगा, घिसेंगे सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 करोड़ जो रोजगार मिल जाएंगे, 15-15 और माफिया माफिया शहर छोड़ के भाग जाएंगे। नितिन भाई ये आप मान रहे कि सरकार आपकी खराब थी इसे चली गई? मेरी बात तो पूरा सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। ठीक, मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोगों के अनुसार जनता के नजरिए से सबने कहा कि मैं बहुत खराब हूँ, उसको मान के यक्स माना कि यक्स, ठीक जवाब उसको लीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। बोलिए। लेकिन आप सबका सब जवाब देखकर जनता ने आपको चुना और जनता ने इसीलिए चुना था कि आज आप आएंगे भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, बेरोजगारी समाप्त कर देंगे, कमीशनबाजी समाप्त कर देंगे, भ्रष्ट अफसरों पर नकेल डाल देंगे और स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये नहीं कहा था कि हम आएंगे तो स्मार्ट सिटी को डुबो देंगे। अच्छा। आज आप 8 साल केंद्र की सरकार हो गई जी। और 5.5 साल राज्य की सरकार हो गई आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जी। वो एक कहा जाता है कि वो बड़े भारी संत हैं, योगी हैं, वो भ्रष्टाचार से मुक्त राज्य की स्थापना करेंगे, राम राज ले आएंगे। तो मेरा सर्वप्रिय प्रश्न है कि क्या योगी जी 5.5 साल में राम राज्य ले आए, उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, अधिकारियों की कमीशन खोरी समाप्त हो गई और जो स्मार्ट सिटी बनाने का दावा आपने किया था, स्मार्ट सिटी डुबोने का दावा तो नहीं किया था, ये स्थिति तो कभी नहीं आई जो आज देखने को मिल रही, लोगों के फ्लैटों में फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर रहा है जी। ये कहां चले गए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो घड़े ले लेकर के सड़कों में निकल आते थे? तो आप क्यों नहीं निकल रहे भाई, आप क्यों निकल रहे? देख लीजिए गौरव जी, मैं डेली निकल रहा हूँ तो आप नतीजा देख लीजिए क्या हो रहा है। फोटो भेज दिया करिए भाई हमको भी। ऐलान होता है गौरव जी, एक जवाब देने दी आपके इसी सवाल का जवाब है कि हम घर से निकलने के लिए हमने एक कॉल दी हमारे यहाँ का प्रतिनिधि विधायक, विधायकों ने कहा हम जन समस्याओं को लेकर के हम 14 तारीख से 19 तारीख सदन जो विधायकों का अधिकार है जन हम आएंगे। आज क्या हो रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है कि विधायकों को हाउस अरेस्ट कर रहा है। अच्छा। आप घर से नहीं निकल सकते, मतलब लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं तार तार हो गई। हम कोई अमर्यादित काम करने नहीं जा रहे हैं, हम कोई सड़क जाम करने नहीं जा रहे हैं, हम कोई प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं। हमने एक काल कही कि हम जन समस्याओं को लेकर के
क्रमिक अनशन करेंगे, हम धरना देंगे विधानसभा के बाहर और हमारे 21 विधायक बैठेंगे, 21 विधायकों से लैंड ऑर्डर समाप्त हो रहा था और आप देख रहे हैं कि सरकार विधायकों को घर के बाहर आउट रस कर रही है, लोग विधानसभा नहीं जा सकते। तो जनतंत्र लोकतंत्र में ये लोग ना जनतंत्र को, आप सूचना क्यों देते भाई, आप बिना सूचना के जाइए, सूचना क्यों देते हैं कि हम अनशन करेंगे और धरना निकालेंगे, बिना सूचना के पहुंच जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। गौरव जी, जी गौरव जी, पार्टी है, कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। अच्छा गौरव जी, जी हम समाजवादी पार्टी है। हाँ अच्छा, कोई लश्कर तौबा नहीं है कि AK-47 लेकर। अरे भैया वहाँ गोली चलाने जा रहे हैं क्या? मेरा कहना है अगर जनता के लिए लड़ने जा रहे हैं तो उसमें कौन सा, उसमें आपको बताना जरूरी है भाई, नितिन भाई बताना जरूरी है। आज आप देखते हैं हर शहर की एक नियम में व्यवस्था होती है, कोई भी धरना कोई भी प्रदर्शन करने से पहले आपको प्रशासन को इंटीमेट करना, वो ठीक है, वो प्रक्रिया ठीक है। आप बिना इसके करेंगे तो आप तब चाही जी कहेंगे कि ये तो बड़े गैर जिम्मेदार लोग हैं, बिना सूचना के ये सब काम। अच्छा ठीक है, लोकतंत्र की ठीक है, समझ गए, आगे बात आ गई। भाई साहब अभी आपको जवाब लेता हूँ, इमरान भाई अपनी बात पूरी करिए। इमरान भाई बोलिए जी। गौरव भाई आप हंस रहे थे बहुत देर से, आप नितिन भाई की बात पर। नहीं नहीं, नितिन भाई की बात पर मैं नहीं हंस रहा था। दरअसल मामला यह है कि जल भराव का मामला हो या ग्रामीण अंचल में बाढ़ का मामला हो, ये राजनीतिक पिकनिक का मामला बन चुका है। अच्छा, चाहे जिसकी सरकार रहे चाहे जो भी पार्टी सत्ता के अंदर रहती है, तो उनको पता होता है कि फला क्षेत्रों में बाढ़ आनी है, फला क्षेत्रों में जल भराव होना है, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की जाती। जोर से थोड़ी ना है भैया, और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर रहता है। अच्छा, अधिकारियों पर सरकार का कोई इकबाल नहीं होता है, या तो ये बात सच है और या तो ये बात सच है कि भ्रष्टाचार में अधिकारी और सरकार के नुमाइंदे मिलजुल कर जो है वो ऐश करने का काम करते हैं, सरकारी खजाने को लूटने का काम करते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जी। आप देखिए, चाहे आप लखनऊ की चर्चा आप कर रहे हैं, लखनऊ में आज 9 लोगों की जो है मौत, दर्दनाक मौत हुई। किस वजह से हुई? भारी बारिश के कारण हुई। जी। और अब तो पता चल जाता है कि बारिश 3 दिन बाद होने वाली है, 4 दिन बाद होने वाली है, और ये भी पता रहता है कि ये महीना जो है, ये मौसम जो है बारिश का मौसम है, लेकिन किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया जाता है। अच्छा। इंतजाम सिर्फ एक बात का है, बोले तो इंतजाम किए गए, बारिश के नाम पर जो फंड रिलीज किया जाएगा उसमें कमीशन किसका कितना होगा। अच्छा, उसमें अधिकारियों का कमीशन क्या होगा, उसमें कर्मचारियों का कमीशन क्या होगा, उसमें विधायक जी का कमीशन क्या होगा, उसमें सांसद जी का कमीशन क्या होगा, उसमें जो है मंत्री जी का कमीशन क्या होगा, और उसके ऊपर कितना कमीशन होगा। कितना अगर कोई वर्कआउट किया जाता है, कोई मेहनत की जाती है, तो सिर्फ इस बात के लिए की जाती है कि किसका हिस्सा कितना होगा। अच्छा, आपदा को इन्होंने, मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि आपदा को अवसर के रूप में लिया जाए, हाँ। तो आपदा को अवसर के रूप में अगर लेने का कोई काम, कोरोना के समय दिया था, बाढ़ के समय बोला है, उत्तर प्रदेश के विधायक और मंत्री करते हैं, कोरोना के समय बोला था भाई कौशल विकास करिए, बाढ़ के समय बोला है। वो कोरोना के समय में एक फार्मूला दिया था, वो फार्मूला जब भी कोई आपदा आती है तो भारतीय जनता पार्टी में, तो यहाँ तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी भी सरकारें रही है पहले भी। अच्छा, हर समय ये देखा जाता है कि बाढ़ में फला क्षेत्र डूबे हुए हैं। अच्छा, हर बार ये देखा जाता है कितना जान माल का नुकसान, दिल्ली में बाढ़ नहीं आती क्या? देखा जाता है दिल्ली में बाढ़ नहीं आती क्या? दिल्ली में बाढ़ नहीं आती है जी? दिल्ली में बाढ़ नहीं आती है भाई? दिल्ली का जो मामला है वो MCD के अंतर्गत आता है, MCD आपको नहीं आती है। और मैं तो कहता हूँ कि एक बात मैं कह रहा हूँ कि सारी की सारी जड़ भ्रष्टाचार है। अच्छा, और एक मामले में तो कम से कम मानेंगे कि आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार से कोई दूर दूर कर लेना देना नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने एडी से एमसीडी, एमसीडी हमारी पार्टी के रूप में नहीं आती, सरकार में नहीं आती क्या? एमसीडी एमसीडी जो दिल्ली की एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है एमसीडी के अंदर। अच्छा। और बिल्कुल आप थोड़ा सा मौका दीजिए, चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग एमसीडी का चुनाव करा नहीं रहे डर के मारे। अच्छा। एक बार एमसीडी का चुनाव हो जाने दीजिए। अच्छा। वहां भी आम आदमी पार्टी सरकार में आ जाएगी। हाँ। और उसके बाद हम दिखाएंगे कैसे काम करके दिखाया जाता है। अच्छा। अरे ये लोग तो ये भी कहते थे कि सरकारी स्कूल नहीं ठीक हो सकता है, ये तो कहते सरकारी अस्पताल नहीं ठीक हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर स्कूल ठीक करके दिखा दिए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो गए। आज उनकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर
नजर हो रही है, ठीक है। तो हमने दिखा दिया कि कैसे सरकारी व्यवस्थाओं को ठीक किया जाता है। फार्मूला सर, गौरव भाई बस, गौरव भाई 30 सेकंड, फार्मूला सिर्फ एक है, अगर नियत ठीक रहे। दरअसल ना पैसे की कमी है, ना यहाँ पर काम करने वालों की कमी है। अगर कमी है तो सिर्फ दो चीजों की, सरकार के अंदर ना तो इच्छा शक्ति है और ना नियत है। ठीक है, अगर नियत अच्छी हो जाए और इच्छा शक्ति मजबूत हो जाए तो अच्छे से अच्छा काम साइज़ा बताइए कितने अपग्रेड हुए हैं। इकलाक भाई प्रेसपास अपना पक्ष रखेंगे, बताइए इकलाक भाई, आप भी यही रहते हैं जी। गौरव भाई जी, जो सबसे पहले तो आज दीवाल गिरने से दिलकुशा के पास 9 लोग की जान चली गई, 800 की, बहुत ही दुखद है जी। और एक आदमी की करंट लगने से जान चली गई जी, आखिर उनका क्या दोष था जी? आपदा आप बोल सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं सरकार तो फेल रही। किसी की जान जाना, एक व्यक्ति की भी जान जाना बहुत बड़ी दुखद चीज होती है। इसमें सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार ने उन लोगों के लिए क्या किया, मैं तो ये पूछना चाहूंगा बीजेपी के साथी से। मुआवजाकरण किया, सरकार ने बहुत बेहतर किया, मुआवजाकरण किया, मुआवजा दिया ठीक, मगर आने वाले समय में देखिए, अभी बात हुई कि ये आपदा है, ये अलर्ट हमारे पास 2-3 दिन पहले आप लोग के माध्यम से ही आ गया था कि इस टाइम बारिश होगी जी। तो इसको सरकार को देखना चाहिए। सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, कह रहे हैं सब लोग मान रहे हैं, क्या अधिकारी कर रहे हैं काम? अभी जैसे साई साहब ने बताया 75 अधिकारियों को नोटिस दी गई, तो जाहिर सी बात है वो भ्रष्ट अधिकारी हैं, तभी तो नोटिस दी गई। आज अधिकारियों को, चाहे वो एलडीए के अधिकारी हो, चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी क्यों ना हो, उनको सरकार का या नेता का कोई डर नहीं। और ये डर होना बहुत जरूरी है, अच्छा, क्योंकि जनता के लिए काम अधिकारी भी करते हैं, वो अधिकारी ही कहलाते हैं, और जनता के लिए काम नेता भी करते हैं और जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। इसकी वजह है, तो डर होना अधिकारी के अंदर बहुत जरूरी है। और रही दूसरी बात, तो आप एक चीज समझिए कि जब हमारे नेता दिन शिवपाल सिंह यादव साहब सरकार में थे, तो इन सब समस्याओं को बहुत आराम से समझते थे और कहा किसी चीजें खराब ना हो। अच्छा। भाई लखनऊ, आप कहते हैं कि लखनऊ मेट्रो सिटी हम बना रहे हैं, ग्रीन सिटी बना रहे हैं, फलाना सिटी बना रहे हैं, क्या है आज आप देखिए, जितना जल भराव लखनऊ के अंदर है, एयरपोर्ट पॉश एरिया एयरपोर्ट भरा हुआ है, शहीद पद भरा हुआ है, गोमती नगर भरा हुआ है। ठीक है बारिश हुई, मगर बारिश हुई, बारिश का पानी निकल जाना चाहिए, मगर किसी भी आदमी की जान नहीं जाना चाहिए उससे। ये सबसे दुखद है जी। किसी भी आदमी को जान जाना, गौरव भाई हम सब कुछ दे सकते हैं, किसी भी आदमी की जान वापस नहीं कर सकते। ठीक ठीक है, हमारे साथ विवेक भाई जुड़े हुए हैं। विवेक भाई, लगातार बहुत बड़े समाजसेवी और लगातार जनता की जो समस्या है उनको उठाते रहते हैं। विवेक भाई क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? गौरव जी, अभी मैं सबको सुन रहा था जी, हमारे अश्विनी शाही साहब भी बोल रहे थे जी। देखिए नियत हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनकी बहुत अच्छी है, बहुत साफ है जी, वो काम कराना चाहते हैं जी, लेकिन अधिकारी काम करना नहीं चाहते जी। आप ये बताइए, आज इस समय पर हम लोग डिबेट में बैठे हैं, पूरा शहर त्राई त्राई कर रहा है जी, अभी तक पानी जल भराव अभी तक बना हुआ है जी। क्या इससे पहले लोगों को नहीं मालूम था? क्या अफसरों को नहीं पता था कि यहाँ पर बाढ़ की विभीषिका क्या होती है? ये आपदा नहीं है, ये देखने के बाद अनदेखी करना कहते हैं इसको। जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जितने भ्रष्ट अफसर हैं जो यहाँ पर 7-7, 8-8 साल से जमे हुए हैं, उनको केवल और केवल नोटिस दे देना ही काफी नहीं होता, उनकी जगह पर काम करने वालों को आगे लाना पड़ता है जी। आज मैं सैल्यूट करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से जी। ये हमारी मंडलायुक्त महोदया रोशन जैकब जी का, कि आज उन्होंने उतरकर जो अधिकारियों के मुंह पे तमाचा मारा है, जो बड़े बड़े अधिकारी जो अपने केवल इसमें क्या कहते हैं अपने रूम में बैठे रहते हैं और केवल आदेश पारित करते रहते हैं, उन्होंने दिखा दिया कि काम कैसे किया जाता है जी। और मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूं कि उनकी वजह से अधिकारियों में जो तेजी आनी थी वो आई। और सबसे बड़ी चीज, अभी हम लोग सब लोग देखिए इस डिबेट से भटक रहे हैं, हम लोग एक मुद्दे पर आए हैं कि यहाँ पर ये क्यों होता है जी। आप देखिए, ये सहारा स्टेट कॉलोनी आज 22 साल से 23 साल से 24 साल पुरानी एक कॉलोनी है जी। इसमें फ्लैटों के अंदर पानी भर गया, क्यों? क्या लोगों को पता नहीं? वहां पर नाले का प्रोविजन होना चाहिए था, लगातार जनप्रतिनिधियों से कहा जा रहा है जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जनप्रतिनिधि केवल वोट के समय पर आते हैं और वो वोट मांगने के लिए आपके हाथ पैर सबको जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मैं करवा देता हूँ। आज 20 साल से कितने वहां पर जनप्रतिनिधि हुए, प्रेजेंट के जनप्रतिनिधि हैं, आज वो वहां पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे जी। आज जो परेशान है वो जनता है जी। प्राधिकरण हो या नगर निगम हो, नगर निगम में जो इस समय पर स्वेज कंपनी है, मैंने आज 10 तारीख को उनके जलकल विभाग को मैंने भेजा था ट्वीट जी।
ट्वीट भी भेजा था और मैंने उनको मैसेज भी भेजा था कि यहाँ पर सीवर की प्रॉब्लम हो रही है, सीवर उफना रहा है। लेकिन आज 14 तारीख, आज 16 तारीख हो रही है, 10 तारीख का मैंने उनको भेजा हुआ था, 10 तारीख से 6 दिन हो गया, उन्होंने सीवेज कंपनी स्वेज कंपनी ने मना कर दिया कि हम वो सारा स्टेट का सीवर साफ नहीं कर पाएंगे। अच्छा। जलकल विभाग ने हाथ खड़े कर लिए। जब नगर निगम टैक्स हाउस टैक्स लेता है तो उसका काम बनता है कि वहां की जनता को सुविधाएं मुहैया कराए, क्यों नहीं करा रहे, इस पर कौन ध्यान देगा? बिल्कुल, सरकार में बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं लेकिन कितने एप्लीकेबल कराए जाते हैं? अभी आपने देखा लेवाना कांड, अधिकारियों के नाम पर अधिकारियों को सब कुछ कह दिया गया, किसी कर दिया गया। नहीं, अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ सर जी। गौरव जी, इसमें आप देखिए, इसमें केवल और केवल अभियंताओं को दोषी करार दिया गया या नीचे के मेट को दोषी करार दिया गया। जो बड़े बड़े अफसर बैठे थे, जो जिम्मेदार अफसर थे, वो भी गए, वो भी गए सर। वो केवल और प्राधिकरण का कोई नहीं गया जी, जबकि प्राधिकरण उसमें जिम्मेदार था जी। गए गए प्राधिकरण के जो अफसर थे वो उसमें बड़े अफसर, कोई भी किसी के ऊपर भी केवल कार्यवाही के लिए संस्तुति कर दी गई है लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। खैर, कोई भी है, ये अभी जो हम लोग मुद्दा लेकर चल रहे हैं वो नगर निगम का भी जी। नगर निगम में आप नगर आयुक्त को चेंज कर देते हैं, जहां जल भराव हुआ, जहां कोई समस्या हुई, तुरंत नगर आयुक्त चेंज हो जाता है। लेकिन क्या उसके नीचे जो अधीनस्थ बैठे हुए हैं उनको कभी चेंज करके देखने की कोशिश की? साहब साहब बता दो रहे हैं, सबको चेंज करते हैं? नहीं जी, नहीं किया गया। अच्छा, अगर उनको सही कर दें तो ये जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, जो परेशानी, जो समस्या देख रहे हैं, ये नहीं होगा जी। एक बार मंडलायुक्त महोदय के ये संज्ञान में बहुत जरूरी है जाना। और मैं फिर दोबारा से कहूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो बहुत कार्रवाई करना चाहते हैं लेकिन उनके ही मंत्रिमंडल के लोग और उनके ही जो जनप्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो इसको आगे बात को नहीं बढ़ाते हैं। 2-4 दिन की केवल ये शोशाबाजी होती है, भागदौड़ मस्ती है, फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कौन ध्यान देता है? ये पहली बार नहीं हुआ जल भराव, ये सालों से हो रहा है। ठीक है, इसका निराकरण बहुत जरूरी है। ठीक है, सुनी भाई, नितिन सिंह यादव जी बोल रहे थे कि तमाम बातें उन्होंने कही, जवाब दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए नितिन जी भाई विरोध में है तो इनको तो विरोध दिखता ही है जी, और हर जगह विरोध दिखना भी चाहिए जी। कहीं गलती होगी हम मानेंगे। सबसे पहले विवेक जी चूंकि समाज सेवी हैं, इनको राजनीति से लेना देना नहीं है, तो थोड़ा सा इनका जवाब देना ज्यादा है क्योंकि इनकी संतुष्टि हमारे लिए ज्यादा है नितिन जी से और आम आदमी पार्टी। विवेक जी देखिए, किसी भी प्राधिकरण में उत्तर प्रदेश के आप चले जाइए, वहां 10-15% आपको कर्मचारी जो 3-4 साल वाले मिलेंगे, नहीं तो सारे प्राधिकरण के इधर 2-3 सालों में सबका ट्रांसफर हुआ है, कोई 3 साल से ऊपर का नहीं है जी। अब कई विभागों में भी अब ऐसी चीजें लागू हो रही है, कुछ विभाग ऐसे हैं, अभी देखिए कुछ विभागों में माननीय मंत्री जी ने भी वो किया था जब गड़बड़ हुआ था ट्रांसफर, तो लेकिन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो अब धीरे धीरे चीजें सिस्टम हम लोग समराइज करके बेहतर करते चले जा रहे हैं, जो पीछे से अब जो विसंगतियां थी उसको दूर कर रहे हैं। ये आज अचानक पानी होना, अब इस समय देखिए पानी, आज लखनऊ में हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, पानी कहीं कहीं छिटपुट हल्की फुल्की हो रही है लेकिन मैक्सिमम वाटर लॉगिंग इलाका जो डाउन नहीं है वहां से पानी हट चुका है, जो थोड़ा सा डाउन है वहां पर अभी है, वहां से भी एक आध दिन में हट जाएगा क्योंकि नालियां मैक्सिमम, मैं पूरा नहीं कह रहा हूं लेकिन 70-80% नालियां क्लियर हैं जो कि निकाल दी जाती हैं, और बड़े नालों में जैसे आपके जानकीपुरम के पानी की बात आप कर रहे हैं, शायद इस समय आप जहां बैठे हैं वहां से घर जाएं तो आपके यहाँ पानी ना मिले जी, क्योंकि वो नाला चालू है और बेहतर है जी। आज स्थिति देखिए, कहीं भी अचानक अतिवृष्टि हो जाएगी, ओला पड़ने लगेगा, हम लोग अचानक जा रहे हैं ओला पड़ने लगे तो सर तो फूटेगा ही फूटेगा, तब तो पता चला कि 1000 लोग बाहर है, हेलमेट नहीं लगाए, सर फूट गया। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, सरकार को इसके बचाव के कार्यक्रम करने चाहिए जी। मैं कहता हूं, और आपने कहा विवेक जी कि नगर आयुक्त हटा दिए जाते हैं, तो नगर आयुक्त एक सिस्टम है ना, तो नगर आयुक्त को भी तो अपने नीचे के लोगों को सही करना चाहिए। सबका ये नहीं है कि मुख्यमंत्री और सरकार और माननीय मंत्री ही काम देखेंगे। अरे तो जिनकी जाने गई हैं साई साहब, सर जिनकी जाने गई हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? किसी की जान नहीं वापस कर सकते। पार्टी के भाई हमारे बहुत बड़ी बड़ी हमारी बात का भी जवाब दे दिया साई साहब, में भर जाता है जो बसें चलती हैं, तो वहां पर ये एमसीडी के पीछे छुप गए। तो चलिए भाई कोई बात नहीं, एमसीडी गंदा काम करती है। आप एक बात बता दीजिए कि आपके पास यमुना तो है, कितनी साफ हुई है, वो जहरीला पानी खत्म हो गया,
दूसरा आपके पास साफ पानी पीने के लिए आप दिल्ली शहरवासियों को दे रहे हैं, क्या वो साफ दे पा रहे हैं? अगर साफ दे रहे हैं तो फिर टैंकर से 60% पानी की आपूर्ति क्यों हो रही है? तीसरी चीज, आप बिजली फ्री दे रहे हैं लेकिन अचानक आपके आज के मुद्दे ब्रह्मांड के जो विशेषज्ञ ज्ञाता मुख्यमंत्री हैं उनको आ जाता है कि सब्सिडी छोड़ दीजिए भाई आप लोग, क्योंकि सब्सिडी के लिए आप केंद्र सरकार के पास कटोरा लेकर खड़े रहते हैं और हर जगह जाके कहते हैं कि बिजली फ्री दे रहे हैं। यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने गैस के मामले में समझाया तो इन लोगों को बड़ा बुरा लगा था, और आज खुद कह रहे हैं कि जो मांगेगा उसको दिया जाएगा। अच्छा, चौथी चीज इनसे कहता हूं, ये बड़ा अब संजय सिंह और सारे जो आम आदमी पार्टी के नेता थे अग्निपथ और अग्निवीर का बड़ा विरोध किए। अभी कल पंजाब में जो है ये न्यूज छपी थी अखबारों में, आज मैंने ट्वीट भी किया है था कल कि कोई भी अग्निपथ का हम लोग आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी। अचानक ये कैसे ज्ञान आ गया, ब्रह्म ज्ञान कहां से आ गया? तो ये भ्रष्टाचारी जो दारू बेच रहे हैं, दारू में आज इस समय देखिए कितने जगह पे फिर छापा पड़ा है यार, और अब सब लोग पकड़े जा रहे हैं। जब ये एक जेल गए हैं महान ईमानदार व्यक्ति जो है, जो अभी भी मंत्री पद से नहीं हटाए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के ही अध्यक्ष कहते थे कि भाई कुछ भी हो आप एक वीडियो बनाकर ले आइए, हम कार्रवाई कर देंगे। अब तो स्टिंग ऑपरेशन हो गया, कार्रवाई क्यों नहीं किया, मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया? तो सारे भ्रष्टाचारी देश में एक तरफ है, आम आदमी पार्टी सर्वोपरि है। अच्छा, आम आदमी पार्टी को आईना जल्दी बात पूरी करिए, बोलिए बोलिए इमरान भाई बोलिए। देखिए जी, मैंने सुना, उम्मीद करूंगा, हालांकि अश्विनी भाई हमेशा कोऑपरेट करते हैं, उम्मीद करूंगा कि अभी भी वो सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। कई सारे सवाल इन्होंने किए, सबसे पहले इन्होंने फ्री बिजली की बात की, और जब हम लोग फ्री बिजली दे रहे थे तो अश्विनी भाई ही सबसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि नहीं भाई हमको फ्री बिजली नहीं चाहिए, हमको फ्री बिजली नहीं चाहिए, मुफ्तखोर लोग नहीं है। तो अगर आज ये बात कह दी कि भाई जिनको बिजली नहीं चाहिए वो अप्लाई ना करें, जिनको फ्री बिजली चाहिए वो अप्लाई करेंगे, उनको हम देंगे, तो इसके लिए इसमें बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। और गैस की जहां तक बात थी, गैस सब्सिडी की बात, तो वो तो आपने देना ही बंद कर दिया, उसमें तो किसी के खाते वाते में आ भी नहीं रही है, सब लोग जान रहे हैं, ये सब ढकोसले वाली बातें हैं। अच्छा। दारू की बात की कि दारू पिला रहे हैं हम लोग, कम से कम गुजरात वाली हालत नहीं करते हैं कि जहरीली शराब पिलाएं और लोग मर जाएं। अच्छा। तो कुल मिलाकर इंसान की जान से इनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा। इन्होंने बारिश होगी अभी, कितनी बचकानी बात बड़े भाई ने हमारे की, इन्होंने कहा कि मतलब ये होता रहता है और लोग अतिवृष्टि होगी और ओलावृष्टि होगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये सीधे सीधे अपने अपनी जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, अपनी जो जवाबदारी है उसे बचना चाहते हैं, उसे बाहर निकलना चाहते हैं, वो अपनी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं नजर आ रहे। कुल मिलाकर पूरे मामले में सीधी सीधी बात यह है कि या तो अधिकारी इनकी सुन नहीं रहा है और या तो ये उसको सुनाना नहीं चाह रहे, दो में से एक बात तो सच है ना। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि लखनऊ के घरों में पानी ना भरे तो उसके लिए व्यवस्था है, उसके लिए सिस्टम है, उसके लिए काम करने का तरीका है जो अधिकारियों से आपको लेना। अच्छा, आप अधिकारियों से काम नहीं ले पा रहे हैं, आप अधिकारियों से कमीशन खाएंगे तो काम नहीं ले पाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो अगर कमीशन खाने का कमीशन खा रहा है चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री तक चलेगा तो बिल्कुल आप नहीं काम करवा पाएंगे। आप अपना कौन कमीशन खा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रहा है, कमीशन कौन खा रहा है, बिल्कुल अस्पष्ट साफ दिख रहा है कि भ्रष्टाचार अपने चरमोत्कर्ष पर है। मैं कह रहा हूँ आप चले जाइए सरकारी दफ्तर में गौरव भाई, इमरान जी चपरासी से लेकर और मंत्री जी तक जो है वो रिश्वत ले रहे हैं। अच्छा, चपरासी से लेकर मंत्री जी तक जो है कमीशन जा रहा है, सबका कमीशन फिक्स है। अच्छा, काम करके देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा। अभी भी जहां सड़क पर पानी भरा हुआ है घुटने तक, आप चाहे तो मैं अभी मैं अपना कैमरा उधर करता हूँ, आपको देख लीजिए। अच्छा, तो ये हालत है, गांव बाढ़ से परेशान हो गए हैं, शहर जल भराव से परेशान हो गए हैं, और अधिकारियों की मस्ती है इसमें। मैंने कुछ इमरान जी से एक ही सवाल पूछा था, और ये दो चीजों पर तो गोल कर गए, यमुना कितनी साफ हुई ये बता दें, और दिल्ली में अगर पानी साफ दे रहे हैं तो टैंकर क्यों आ रहे हैं 60% घरों में, ये दो जवाब। देखिए झूठ बोलने के मामले में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, निकल गया भारतीय जनता, निकल गया नहीं सच्चाई है भारतीय जनता। मैं कहता रहा हूँ कि झूठ बोलने के मामले में आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है। अच्छा। आप बता जी आम आदमी
पार्टी ने कर दिए और अभी तक टैंकर का रोना रो रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 8 साल हो गया दिल्ली नहीं गए होंगे, तो अगर इनको ये चिंता है, अगर इनको दिल्ली के स्कूल देखने हैं, दिल्ली के स्कूल में क्यों आए भाई, स्कूल बढ़िया है। शाही जी को मैं कहता हूँ चले मेरे साथ, मैं सब दिखाता हूँ भाई। यमुना की बात कर रहे हैं, यमुना की बात कर रहे हैं, पानी पिलाऊंगा जिस इलाके में कहेंगे, जिस इलाके में गौरव भाई अश्विनी भाई कहेंगे वो इलाके का नाम बताएं, मेरे साथ चले, जिस घर से कहेंगे मैं पानी पिलाऊंगा इनको अपने हाथ से निकाल के। यमुना की बात कर रहे हैं, यमुना नदी की बात कर रहे हैं, यमुना नदी की बात कर रहे हैं भाई। अरे भाई हरियाणा में ये सारी फैक्ट्रीज का पानी यमुना में छोड़ देंगे और उसे सफाई का दावा हम पे करवाएंगे। नमामि गंगे के नाम पे गंगा को जिसने बुलाया था, गंगा की सफाई का, नमामि गंगे का क्या हश्र इन लोगों ने किया है और सवाल हमसे कर रहे हैं। गजब बात यही है, मैं वही बात कह रहा हूँ कि इन लोगों का सवाल ऐसा होता है कि हंसी आती है। मतलब ये ऐसी पार्टी के नेता है कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कैमरे पर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है और भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। अभी तक ना तो मनीष सिसोदिया जी के बारे में कुछ बता पाए सीबीआई इनकी, ना तो सत्येंद्र जैन के मामले में ईडी को कितनी जबरदस्त फटकार लगी है। अभी कितना बेशर्मी से बात करते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। 40 से ज्यादा विधायकों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए थे सीबीआई ने, ईडी ने तमाम किए थे, हमारे मुख्यमंत्री के दफ्तर पे छापे डाले गए थे, डिप्टी सीएम के दफ्तर पर छापे डाले थे सीबीआई ने, और मिला क्या था, आम आदमी पार्टी और ये कुछ मफलर मिले होंगे। तो धैर्य रखिए, आम आदमी पार्टी आपके इस इम्तिहान को भी पास करेगी और पूरी देश में चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी की ईमानदारी। ठीक है, पर ये अश्विनी भाई बोल रहा है कि जैन साहब की जमानत क्यों नहीं हो रही भाई। चलिए इमरान भाई, आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही। शाही साहब बोल रहे हैं कि जैन साहब की जमानत क्यों नहीं हो रही। एक बार फिर से सवाल पूछेगा। साही साहब बोल रहे हैं कि जैन साहब की जमानत क्यों नहीं हो रही है, सतीश जैन की जमानत क्यों नहीं हो रही है? मैं कह तो रहा हूँ धैर्य रख लीजिए, जैन साहब की ही बात मैं कर रहा था। जैन साहब के मामले में ही कल कोर्ट ने फटकार लगाई है ईडी को। अच्छा, कि आप जिनको एविडेंस बोल रहे हैं वो एविडेंस नहीं है। मैं कह रहा हूँ सुनवाई होने दीजिए, मामला सामने आने दीजिए। ठीक है, आप धैर्य रखिए, कुछ दिन फिर मैं बैठूंगा आपकी डिबेट में, पूछूंगा जैन साहब के मामले में। ठीक है, गौरव साहब एक बात ध्यान ले लीजिए, आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार और देशभक्त अगर कोई सिद्ध करेगा तो भारतीय जनता पार्टी जितना ये शिकंजा कसने का काम कर रही है उतना ही आम आदमी पार्टी अपने आप को ईमानदार और कट्टर देशभक्त सिद्ध करती जा रही, साबित करती जा रही। वीडियो आया उसमें जनमानस की ईमानदारी, वही आपका जो होलसेलर था उसने बखान कर दिया है, अरेस्टिंग ऑपरेशन को पूरा देश देख रहा है इमरान भाई। अरे भाई, अब अगर अश्विनी शाही साहब ज्ञान देंगे इनकी पार्टी के बारे में क्या बात करें, ये लोग भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं। चले ठीक है, इनका नेता जो है बच्चा चोरी करता है, इनका नेता जो है वैश्यालय चलाता है, ठीक है, इनका नेता जो है पाकिस्तान की जासूसी करता है, एजेंटी करता है, ठीक है, और ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के बारे में बताएंगे कौन सी आएगी। बताइए अखिलेश भाई। गौरव भाई भी शाही साहब ने पूरी बात बोली, हर तरीके की बात बोली, एक बार भी नहीं बताया कि जो लोगों की जान चलेगी उसके लिए दुख है, कुछ नहीं बोला जी। तो मैं तो थोड़ा कहता हूं, इस्लाम जी पहले मैंने आपके बात के समय ही मैंने बोला था, क्षमा चाहता हूं जी। नहीं, आप देखिए, मैंने सरकार, बताया था और गौरव जी ने भी इसको किया था कि सरकार ने 4 लाख रुपए की घोषणा की है उनके लिए, मुआवजा देने से अगर जान वापस और त्वरित सहायता पहुंचाई गई है, मरने के लिए तैयार, आवास की व्यवस्था कराई गई है, मुआवजा मिलने से अगर जान वापस आ जाए तो हर आदमी आज के दौर में मरने के तैयार है, कि जो स्थिति बेरोजगारी उत्तर प्रदेश या देश में चल रही है। तो बात देखिए मुआवजा की नहीं है, बात है उनकी जान गई तो उसकी जिम्मेदार सरकार है। जनता ने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को चुना है तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी भी, दोबारा चुना है तो अपनी जिम्मेदारी भी उनके हाथ में सौंपी है। जो आज बीजेपी कहती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुख्यमंत्री जी गए, अरे भाई बिल्कुल मुख्यमंत्री जी जाएंगे और मुख्यमंत्री जी का सबसे पहला है वो जाएंगे, क्योंकि प्रदेश के मुखिया है। अगर कोई उनके भाई, हम देखे तो उत्तर प्रदेश समय उनके हाथों में है, अगर कोई चीज होती तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, और मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि मुख्यमंत्री जाते हैं। मगर जिस तरीके से सरकार पे अधिकारी हावी है जी, सारे अधिकारी हावी नहीं है, मैं चीज आपसे फिर कहना चाहता हूँ, कुछ अधिकारी हैं जो सरकार को और उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। अच्छा, उनको आप ट्रांसफर मत करिए, मैं तो कह रहा हूँ उनको सस्पेंड करिए। आप 10 साल एक अधिकारी को एक जगह रखिए, मगर वो ईमानदार होना चाहिए। आप एक भ्रष्ट अधिकारी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखेंगे तो जाके तो भ्रष्ट ही करेगा। और एक बात और कहूंगा कि अभी मैं सपा के प्रवक्ता जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि धरना के लिए मैं जा रहा था, हमारे विधायकों को अरेस्ट कर लिया गया, तो आपके जनप्रतिनिधि क्या आप पुलिस से डरने लगे?
कितने लोगों ने गिरफ्तारी दे दी भाई, कितने लोग भिड़ गए हैं, क्या एक दो SHO या 3-4-5 सिपाही लगा के आपको घर अरेस्ट कर लिया जाए? तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो कल को भी कोई भी धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी मुझे नहीं लगता है कि रोडो सड़क पे कर पाएगी। सपा लगातार कर रही है, सपा वाले डर गए, सपा लगातार कर रही है, तो खुद बता रहे हैं सपा के प्रवक्ता, तो खुद बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। सपा लगातार कर रही है भाई, कितने लोग अरेस्ट हुए गौरव भाई, आप पूछिए इनसे। इससे पहले लखीमपुर हम लोग जाने काम किया, माननीय शिवपाल जी अरेस्ट हुए, आदित्य जी वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हमारे इटावा में अरेस्ट हुए। लगातार हम अगर जनता की आवाज है तो फिर जेल से क्या डरना भाई, जेल जाएंगे हम, सरकार को जो करना है करें। पता के जाएंगे, प्रक्रिया है उनका, पता के जाएंगे, करते रहे ऐसी प्रक्रिया आगे। भाई एकलाख भाई बोल रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं, डरते हैं, चार पांच लोग पहुंच जाते हैं। एक लाइन जोड़ सकता हूँ आपकी इजाजत से? जी बिल्कुल बोलिए भाई। हाँ नितिन जी अभी जवाब दे लेंगे उसका भी अगर चाहेंगे तो। जी बोलिए। धरने की बात थोड़ा सा दिमाग से मेरे उतर गई थी, मैं अभी बता रहा हूँ। जी देखिए, धरने की बात की एक दिन पहले माननीय अखिलेश जी ने एक मीटिंग किया, उस दिन कहा कि कल से धरना होगा, 11 या 21 विधायक धरना देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, धरना देना चाहिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। ठीक, माननीय विधायक चुने हुए हैं और वो विधानसभा के बाहर जो चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा है वहां धरना दे सकते थे, लेकिन एक एक विधायक जी 20-25 लोगों को लेकर धरना, चूंकि हजरतगंज के सामने धरना देने से यातायात बाधित होता जी, तो इन लोगों को वही 10-5 बसों में भर के धरना स्थल पर हम लोग प्रशासन ने पहुंचा दिया। यही काम किया गया इनके साथ। अच्छा। कि आप यहां धरना दीजिए, एक नहीं एक साल दीजिए, ये काम किया था प्रशासन ने, न कि इनको धरना देने से रोका था। अच्छा ठीक है नितिन भाई, प्रसपा वाले बोल रहे हैं एकलाख भाई की जो आप डर गए हैं इसलिए बाहर नहीं निकलते हैं। प्रसपा के बारे में तो इतना ही कहना है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अच्छा। तो समाजवादी पार्टी 111 और प्रसपा एक की पार्टी है, तो ये उत्पात बचाए इनके बारे में। 111 सीटें क्या समाजवादी पार्टी को अकेले मिल गई है? इसमें क्या आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब नहीं थे? नहीं आप गलत, नितिन जी आप गलत बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। अरे समाजवादी पार्टी 2017 में लड़ी थी, 47 डिबेट की बात, मर्यादा सीखते हैं, हमारे नेता ने सिखाया, इसीलिए कभी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब के बारे नहीं सिखाया, हमारे बड़े आदरणीय शिवपाल सिंह जी, और आप हमारे बड़े आदरणीय क्या क्या बोले वो मैं बात अगर आपने उनसे मर्यादा सीखी होती, आप ही पिछली डिबेट में, आप ही पिछली डिबेट में हमारे नेता की हैसियत की बात करते शायद आप भूल गए हो। तो मर्यादा किसके अंदर है नहीं है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अपनी बात बोलिए। जी बोलिए नितिन भाई, बोलिए बोलिए। तो अब आप बोल ले पूरी बात, नहीं हो गई इनकी बात, हो गई मेरी बात समाप्त हो जाए तभी बोलिएगा, बोलिए बीच में मत टिप्पणी करिएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने एक लाइन में कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ये संघर्ष की जो जननी समाजवादी पार्टी है, डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर चली और नेता जी के सिद्धांतों से पली बढ़ी। अच्छा। और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी उन्हीं नेताजी के छोटे भाई, और जैसे हम सब पार्टी के कार्यकर्ता रहे, हमेशा शिवपाल सिंह जी भी उसी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने काम किया जी। और जब तक उन्होंने पार्टी में वो साथ रहे, उनका सम्मान भी उसी तरीके से रहा जैसे कि सभी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का रहा। उन्होंने अपनी धारा चुनी और अपने संघर्ष के बलबूते कर अपने सिद्ध करने का उनको मौका मिला। पार्टी में रहने के साथ ही उन्होंने 5 साल पूर्व एक पार्टी बनाई थी, 5 साल पहले जैसा कि इनका दावा बड़ा संघर्ष किया था, तो संघर्ष करने के बाद आपको चुनाव के रास्ते थे, आपको चुनाव रास्ते, हालांकि ये जवाब नहीं देना चाहिए, समय मेरा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे ही लोग टिप्पणी करके विषयांतर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग भी करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का इनडायरेक्ट सहयोग ही है कि विषयांतर करा दें हम लोगों को आक्षेप करके। अरे भाई आप संघर्ष करिए, आपको संघर्ष करने से किसी ने रोका नहीं है। और अब बात मैं करने आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने इनकी बात को टिप्पणी पे ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। अब मैं साई जी की बात कहना चाहता हूँ। साई जी ने कहा कि हमने धरना के लिए परमिशन दी थी, विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी गई थी, 21 विधायकों को आना था, और वो 21 विधायक अगर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पे धरना दे देते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या ज्योतिषीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार या इनको कोई सपना आया था? आपने स्वयं देखा द्रविदास मल्होत्रा जी लखनऊ में एक दिन पहले ही आप उनके घर के बाहर पूरी फोर्स लगा देते हैं। आपको कैसे मालूम था कि रविदास मल्होत्रा 50 कार्यकर्ताओं को लेकर के धरना देने जा रहे हैं? आपने मनोज पांडे जी के घर को क्यों घेरा, राकेश प्रताप सिंह के घर को क्यों घेरा? सब किसी के कितने नाम गिना देंगे समाजवादी पार्टी में? और आप लगातार देख रहे हैं कि हमारी पार्टी के कार्यालय को
क्यों आपने छावनी में तब्दील कर दिया? आप अपने विधानसभा और धरना स्थल की और यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करते। जब पार्टी कार्यालय से लोग निकल कर आते, आप रास्ते में उनकी गिरफ्तारी करते, लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध करते, उनकी बात को जनता के बीच जाने देते, मीडिया के माध्यम से हम अपना विरोध दर्ज कराते। लेकिन आपने पार्टी को ही छावनी में तब्दील कर दिया, पार्टी कार्यालय के बाहर ही पूरा इतना फोर्स तैनात कर दिया कि एक नेता घर से अपने ऑफिस से दफ्तर से निकल के विधानसभा भवन तक नहीं जा सके। ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये क्या जनता की आवाज को? हम विपक्ष है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है कि निंदक निरह रखिए आंगन कुटी छवाए। तो हम सरकार के उसी तरीके से एक निंदक हैं कि सरकार की गलतियों को हम चिन्हित करें और सरकार उसको ठीक करे। लोकतंत्र में सत्ता लोगों को, जब जनतांत्रिक तरीका है लोकतंत्र, लोकतंत्र जनता चुनती है और अपना भाव व्यक्त करती, किसी एक पर आस्था व्यक्त की और एक व्यक्ति सरकार पे आया, तो सरकार का काम है, राज्य स्टेट कल्याणकारी राज्य है, तो जनता स्टेट का काम है, राज्य का काम है, सरकार का काम है कि जनता का कल्याण करे। नितिन भाई, और विपक्ष का काम है कि अगर कहीं आपसे कोई त्रुटि हो रही है, हम आपके जन्मजात दुश्मन नहीं है, लोकतंत्र में विपक्ष दुश्मन नहीं होता है। वो आपकी जो जन कल्याण के लिए आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से पथ भ्रमित होते हैं तो हम आपको जागरूक करेंगे। कैसे? हम आपको बता रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब हो गया है, हम बता रहे हैं कि इस समय लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, महिलाओं खराब हो रहे हैं, जागरूक कैसे करेंगे? ट्वीट से मैं कह रहा हूँ, जागरूक नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार को आगाह कर रहा हूँ कि ये घटनाएं हो रही है, आप इस पर पहल करके ठीक करिए। भाई मेरा काम है बताना कि ललितपुर में बलात्कार हो गया, दरोगा ने थाने में आए, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं, बलात्कार कर दिया, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं। मैं लेख लाइन तो बतानी पड़ेगी भाई, मैं बता रहा हूँ कि आप अगर कन्नौज के अंदर किसी लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी माँ थाने जाती है और थाने जाने पर दरोगा जी उसके साथ बलात्कार कर दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि अगर आज सरकार का इखलाक इतना कमजोर हो गया है, खौफ कम हो गया है कि आज लखीमपुर के अंदर दाड़े लड़की को उठा लिया जाता है, रेप किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती, तो सरकार अपना इकबाल बुलंद करे, अपराधियों पर इतना खौफ कायम हो जाए। लेकिन मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि ये क्यों होता है, इसके पीछे के कारण बताता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और कैबिनेट के मंत्री निकलेंगे और कोई पीड़िता ये बात कहेगी कि माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपकी सरकार का एक सबसे अधना कर्मचारी चौकी इंचार्ज मुझसे कहता है कि 15 साल की लड़की दो और प्रदेश अध्यक्ष उसकी मुस्कुरा कहेंगे चौकी इंचार्ज और काजू खा के गाड़ी में बैठ जाएंगे, एक बार नहीं उसकी तरफ दिखा रहा है, चौकी इंचार्ज है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, साहिदा कुछ दिखा रहा है, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ऐसे परिणाम आएंगे, ऐसे दुर्दिन प्रदेश के आएंगे, ये मेरा काम है बताना, हो गया, हो गया, हम बता रहे हैं और सरकार संज्ञान में ले और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, साहिदा कुछ दिखा रहा है, सरकार का एक बुलंद होगा। साहिदा कुछ दिखा रहे हैं, साहिब कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी ये मैं दिखा रहा हूँ, ये एक तस्वीर है, जी शायद कुछ क्लियर हो रही हो तो देखिएगा, दिख रही है, ये सैफई के बगल में 20 किलोमीटर दूर गांव जी, और ये सपा की सरकार में ये पुलिस है जी, और नीचे उसके बाद एक लड़का इस लड़की को किस तरीके से बेरहमी से पुलिस के सामने मार रहा है। अच्छा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव के बगल की चित्र है, इसलिए दिखा रहा था नितेंद्र भाई को जी। अब दूसरा जवाब देने जा रहा हूं, जो इन्होंने ज्योतिषी की बात कहा जी, ज्योतिषी हम लोग नहीं है, लेकिन आपका पिछला रिकॉर्ड बताता है नितिन भाई, जब योगी जी की 17 में सरकार आ गई, आपकी चली गई, उसके बाद आप लोगों ने एक धरना किया था राजभवन पर जी, और आपको भी याद होगा, हमको भी याद है जी, सपा के गुंडों ने किस तरीके से पुलिस वालों को वहां पर उनके ऊपर आक्रमण किया था राजभवन पर जी, उस चीज को बचाने के लिए पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर पालन कराने के लिए सबके घरों में सबको रोक दिया कि अगर ये उपद्रवी है, यहाँ पर सपा गुंडों की चुकी पार्टी है, अच्छा, ये किसी से छुपा नहीं है, अच्छा, तो फिर ये लॉ एंड ऑर्डर न बिगाड़ने पाए, इसलिए इनको पकड़ो और 21 विधायक एक वर्ष में आ जाते, लेकिन 8 वर्षे लगानी पड़ी, वो बाकी लोग कौन थे आप बता दीजिए, मुझे मौका देंगे साईं जी की बात का जवाब, जल्दी वगैरह समय कम है भाई, जल्दी बोलिए, बोलिए जल्दी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार ये कह रहे हैं साई जी कि भारतीय समाजवादी पार्टी गुंडों के पार्टी है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इसका प्रमाण है, गुंडे कौन, मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे,
उप मुख्यमंत्री के ऊपर 52 से ज्यादा मुकदमे, ये प्रमाण है। स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके अभी एक मंत्री हैं जो अभी अदालत से पर्चा फाड़ के भागे थे, अभी अभी सजा हुई है और अभी भी वो मंत्री हैं। और रिकॉर्ड उठा के देखिए, और भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की पार्टी है। चिन्मयानंद से शुरू करिए, कुलदीप सेंगर तक का इतिहास भरा है भारतीय जनता पार्टी का। अभी क्षेत्रीय पदाधिकारी कानपुर के अंदर जिला पदाधिकारी के साथ रंगरेलिया मनाते हुए, राममूर्ति वर्मा थे वो किस पार्टी से थे भाई? सोनकर जी, एक राममूर्ति वर्मा किस पार्टी से थे पदाधिकारी, जिसने पत्रकार को जिंदा जला दिया था? अरे एक राममूर्ति वर्मा किस पार्टी से थे भाई? ऐसी बातें क्यों करते हो जितेन भाई? क्यों ऐसी बातें करते हो? सरकार चलाओ, ये बलात्कारियों की पार्टी है, गुंडों का नाम तो ना लिया करें। ठीक है ठीक है, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। विवेक भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। विवेक भाई बोलो। मैं गुंडे की बात कर रहा हूं, ये गुंडे भ्रष्टाचार। ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, इसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम जाम है। और ड्रेनेज सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तो ये जल भराव नहीं रुकेगा। आप पहले भ्रष्टाचार खत्म करिए, कमीशन खोरी खत्म करिए और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक से, सपा का उतरने वाली रोड पर फेंकवाइए। तो सपा का भ्रष्टाचार के लिए उतरने वाली रोड पर दिन भाई, हम लोग लगातार सड़कों पर ही अभी कहा सड़कों पर देख रहे हैं, सड़क पर, और इसके बाद में सदन में करेंगे 19 तारीख से। समाजवादी पार्टी 19 तारीख से सदन में जवाब देगी। चलो ठीक है, आज हम सदन में देखेंगे, सदन में देखा जाएगा। चलो ठीक है, अश्विनी जी जी, मेरा सवाल आप ही से है। आपने अभी मेरे को बताया कि आप यहाँ से उठकर जाएंगे तो वहाँ पर जलभराव की समस्या कुछ कम हो जाएगी। अभी तो मुझे जलभराव के साथ साथ बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है। अच्छा, कि एक ही विभाग जो नगर विकास हमारे मंत्री जी हैं, मैं तो उनसे एक कर्मबद्ध प्रयत्न है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ड्रेनेज सिस्टम खत्म कर पाएंगे, तो क्यों ना वो एक स्टीमर या वोट की कोई व्यवस्था कर दें जिससे कि लोग अपने घरों से बाहर तो निकल लें, क्योंकि कल रात 2 बजे के बाद से कोई अपने घर से नहीं निकल पाया है जी। लोगों की समस्याएं मेरे अभी व्हाट्सएप पर भी आ रही हैं कि इस समस्या को जरूर बताइएगा। और मैं केवल अश्विन साहब से ये एक और पूछना चाहता हूं कि जब तक मैं पहुंचूं क्या नाव की या कोई बोट की व्यवस्था हो सकती है जी? क्योंकि पानी, पानी तो कम नहीं होगा, जाइए तो नहीं सर, पानी तो पानी तो अभी बता तो रहा हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप आ रहा है सर, पूरा तालाब बना है अभी तक। अगर मैंने कहा जहाँ लो लैंड नहीं होगा वहाँ पानी नहीं होगा। नहीं 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 सर, अगर लो लैंड में किसी ने घर बना लिया होगा तो पानी होगा। सर सर 20 साल से बना है तो उसको क्यों नहीं देखा गया सर? उसकी तो, उसकी 20 साल में पहली बार पानी लगा। ये नगर नगर विकास विभाग, आप दो बार के से वहाँ पर जीत रहे हैं और नगर विकास विभाग ही उसको देख रहा है जी। अभी तक वहाँ पर नाले की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? बार बार जनता कहती है, क्यों नहीं सुनवाई होती? क्या रोड पर निकले जनता? जब रोड पर निकलेगी तो आप कहेंगे कि सर 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 मेरी, अश्विन साहब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए मैं राजनेता नहीं हूं और ना ही मैं आपकी कोई ऐसी राजनीति। सहारा स्टेट के ठीक सामने नाला है सर। सर मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं कि सारा स्टेट के ठीक सामने, तो उस नाले से कनेक्टेड क्यों नहीं कराया जा रहा है दूसरा नाला? उसके पीछे के, आगे? सर उसके पीछे से नाला, उसके पीछे से नाला नहीं आया, उसके पीछे से नाला नहीं आया और बार बार लिखा जा रहा है। और अभी 10 तारीख को भी मैंने IGRS किया है, उसका जवाब अभी तक मेरे को वापस नहीं मिला जी। तो कम से कम जानकीपुरम, ये केवल एक सारा स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा जानकीपुरम जो 23 साल पुरानी योजना है लखनऊ विकास प्राधिकरण की, जो महाभ्रष्टों की योजना थी, जो जिसमें ये महाभ्रष्ट जो अभियंता यहाँ पर काम करके गए हैं, ये गठजोड़ जो हुआ भ्रष्टों का, इसमें ठेकेदार भी शामिल हैं, इसमें जिस तरीके से काम हुआ है ये तो आप लोगों ने देखा भी है और आप देख भी रहे हैं कि सारी रोडें टूटी पड़ी हैं, नाले कब्जा किए हुए हैं, अन्य पूरी तरीके से पक्का नालों को कब्जा किया है। नहीं इखलाक भाई देखिए, टेढ़ी पुलिस से इखलाक भाई, मैं देखिए मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, मैं एक समाज सेवा का, मैं एक समाज की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आज आज मैं 3 साल से इसके लिए जूझ रहा हूँ, तो इसमें कम से कम सरकार को खुद भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, इखलाक भाई बोलिए। जैसे कि विवेक भाई ने कहा, मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सही है, ये सही कह रहे हैं भाई। जैसे ही आप बढ़ेंगे, जैसे हमारे साई साहब ने कहा कि नाले हैं, नालों के ऊपर कैसे कब्जा किया गया है ये भी देखिए, टेढ़ी पुलिया से खुरम नगर की तरफ बढ़ेंगे कैसे कब्जाया गया वो भी देखिए, कितनी चीजें हैं नगर। मैंने कहा कि अधिकारी भ्रष्ट हैं, कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं, सारे अधिकारी नहीं, बिल्कुल ठीक। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार को ही बदनाम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगा, मैं नितेन जी ने जो भी कही कि आपके अंदर जो उन्होंने वर्ड कहा कि थोड़ा सही, मतलब तरीका सही रखिए, तो इससे पहले भी तो डिबेट में शायद हमारे साथ थे भाई हमारे, उन्होंने तो हैसियत तक की आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब की बात कर दी, तो उनकी हैसियत तो समाजवादी पार्टी देख चुकी है 2017 में जब वो नहीं है।
थे, क्या हैसियत थी समाजवादी पार्टी की, और जब वो दोबारा जुड़े हैं और 2022 में भी जब जुड़े हैं तो जब तक उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया था वहां कितनी सीटें समाजवादी पार्टी पाई है, और पूर्वांचल में जब उनको स्टार प्रचारक बनाए वहां कितनी सीटें समाजवादी पार्टी पाई है, ये भी हमारे भाई ये देख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नितिन भाई जवाब दीजिए। नितिन भाई और एक बात और जोड़ूंगा, एक बात और जोड़ूंगा कि जिस तरीके से भाई कह रहे हैं कि हम विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, चार चुनाव जीत चुकी भारतीय जनता पार्टी ऐसे विरोध की सामने, तो वो तो खुश होगी ना कि ऐसे विरोधी हमारे सामने रहे और हम लगातार चुनाव जीतते रहे, तो ऐसे विरोध से तो हर विरोधी खुश होगा भाई कि चार चार पांच पांच चुनाव उनको आप जिता देंगे और फिर आप सीने ठोक के कहेंगे हम सबसे बड़े विरोधी हैं। क्या तरह धरना करने जा रहे हैं, कर रहे थे, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, धरना किस तरीके से होता था, धरना किस तरीके से होता था, ये आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब से सीखे, सर पे चोटें खाई थी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने, लाठियां खाई थी कार्यकर्ताओं ने समाजवादियों को जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ था, और अखिलेश यादव साहब ने भी चोटें खाई थी, मैं तो कहता हूँ आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने भी चोटें खाई थी जब नेतृत्व आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब के था। ठीक है देखिए ऐसा अभी हमें साई जी ने एक वीडियो दिखाया था, दिखा रहे थे, मैं इनकी पार्टी का वीडियो दिखा रहा हूँ, आप शायद इसमें देखने की कोशिश करिएगा, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता है और क्या कर रहे हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष उनके साथ, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष बोले, मैं आप लोग खुद देख लीजिए सोशल मीडिया में क्या हो रहा है उनके साथ में, अखिलेश जी के इलाके में हुआ ये दिखाई पड़ रहा होगा शायद आप लोगों को, सबको अखिलेश जी का मैंने दिखा दिया तो ज्यादा कष्ट हो गया क्या, एक मिनट का समय और लो, हाँ नहीं मैं दिखा रहा हूँ आप भी देख लीजिए जी, कोई गुंडा साहिब साहब बोल रहे हैं अखिलेश जी के दिखा दिया, गुस्सा हो रहा है क्या साहिब साहब बोल रहे हैं अखिलेश जी दिखा दिए तो नाराज हो रहे हैं, अखिलेश जी का नहीं दिखाया जी, साहिब जी की हैसियत नहीं है अखिलेश जी के ऊपर उंगली उठाने की, आपको एक जवाब दे अखिलेश जी की हैसियत नहीं है कि जो आप टोटी खरीद कर लगवा सके, आई जी सुन लीजिए भारतीय जनता और जो अपने घर में चार करोड़ का जो रेनोवेशन कराए थे वो भी चोरी का पैसे का था, धांधली का पैसे का था, ऐसे चोरों के लिए हैसियत चाहिए, उनके डिप्टी अखिलेश यादव की क्या हैसियत है, कितने मुकदमे हैसियत मत देखिए, हैसियत मत देखिएगा, सब तो पर एकदम कंट्रोल होना चाहिए, अखिलेश जी के जीवन नहीं तो अपने टोटी चोर को जाकर कहिए आप लोगों की हैसियत बढ़ाए हो, जनता पार्टी का इतिहास बढ़ाए अपने चार करोड़ के उस घर में जो है जो चोरी का पैसा लगवाए थे सरकारी करेंगे उनके पिताजी की उम्मीद का नहीं दिए थे, अखिलेश यादव जी उनकी हैसियत होती तो लगवा लिया होते अपने पंजाब से, दिखा दिया आप किसी गुंडे का भी वीडियो दिखाकर अखिलेश जी का नाम लेंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता का नीरज मिश्रा की हत्या हुई कन्नौज में, नीरज मिश्रा की हत्या हुई कैसे हुई बताएंगे आप, जवाब देंगे, अरे आप संतोष शुक्ला की हत्या का जवाब देंगे, नीरज नहीं संतोष शुक्ला का तो आपके लोगों ने मारा, जनता पार्टी के मंत्री आपके लोगों ने मारा, मरवाया उसको आप लोगों ने प्रश्न दिया था, आप लोगों ने उसको बॉडीगार्ड दिया था, संतोष शुक्ला मंत्री शिवली थाने में मारे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मरवाया वही विकास दुबे जिसको आपने सुरक्षा दी थी, विकास दुबे को सुरक्षा दी थी उसने मारा उसको, जमानत क्यों नहीं हुई, पार्टी के गुंडे लोग औकात भूल जाते हैं, अपनी औकात में रहिएगा और अखिलेश यादव की हैसियत याद दिलाते रहिएगा, चोर थे गौरव जी पूछिए उनके पिताजी जिस तरीके से फूस की झोपड़ी में रहते थे, सबको इतिहास मालूम है, इतिहास मत खुलवाइए, उनके पिताजी और माताजी जिस झोपड़े में रहते थे वो उनकी औकात है, वो उनकी हैसियत है, औकात और हैसियत जो है नीचे मत दिखाइएगा, हो गया मास्टर साइकिल से चलते थे, डकैती का मुकदमा था जेल जाने के लिए दिल्ली भाग गए साइकिल से, उनकी ये हैसियत थी जी, वो मुलायम सिंह परिवार के उन लड़के हैं जी, जो फूस के घरों में रहते थे जी, पक्के घर की औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी, और लड़का टोपी चोर तक भीख मांगते थे, आठ से दस ठीक है, हो गया आज सभी मेहमानों को बहुत जुड़ने के लिए लोग थे, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आज औकात में रही, तो यहाँ पर मुद्दा था केवल और केवल स्मार्ट सिटी लखनऊ बनने जा रही है पर स्थिति बड़ी खराब है, सड़कें लबालब है, सरकार के प्रतिनिधि बोलते हैं कि
प्राकृतिक आपदा है, निश्चित रूप से बारिश ज़्यादा हो रही है, पर कहीं ना कहीं अगर हम बेहतर इंतजाम कर सकते हैं तो इन प्राकृतिक आपदाओं में हम लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर हम बेहतर क्रियान्वयन करते हैं योजनाओं का तो निश्चित रूप से जो हमारे विकास की जो गति है उसको बेहतर कर सकते हैं। अगर वास्तव में हम अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हैं तो एक नज़ीर पेश होगी कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। व्यवस्थाएँ हैं, योजनाएँ हैं, पैसा है, बजट सब है, पर यहाँ पर अगर आप बेहतर काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कठोर कदम उठाने भी होंगे और साथ ही साथ उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी जो सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बरसात हमेशा होगी और ये हमारे पर्यावरण का एक सिस्टम है, एक तंत्र है कि हर साल जुलाई से सितंबर तक बरसात होती है, पर उस बरसात में जनहानी ना हो, उस बरसात में सड़कें लबालब ना हो, उसके लिए हमको करने होंगे इंतजाम, और इस इंतजाम से कोई भी पीछे नहीं हट सकता है। अगर जनता ने आपको वोट दिया है तो ये जिम्मेदारी सरकार की भी है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की भी है, ये जिम्मेदारी नगर निगम की भी है, और ये जिम्मेदारी वहाँ के पार्षद यानी प्रतिनिधियों की भी है जो वोट मांगने तो पहुंच जाते हैं पर काम करने पर पीछे हट जाते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे जिनमती नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।